हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में कोई ऐसा पेयर है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जहां पर और बाकी जगह पर नहीं होगा। तो हम लोग को फाइंड करना है कि किस जगह पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चार ऑप्शन हमारे पास। पहला ऑप्शन में NaCl सॉल्यूशन, ये जो NaCl सॉल्यूशन है, एंड कॉपर मेटल। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखो क्या होता है, NaCl सॉल्यूशन, NaCl, ठीक है। ये अगर इसमें कॉपर सॉल्यूशन डालेंगे भी, तो कॉपर मेटल डालेंगे भी, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है कि रीजन क्यों नहीं होगा, नो रिएक्शन क्यों है, कि हम लोग जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, मोस्ट रिएक्टिव जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल अपने से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सोडियम और कॉपर में ये हो गया, सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मेटल सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब फिर दूसरे रिएक्शन में देखते हैं, तो दूसरे में अगर क्या दिया हुआ है, दूसरे में अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है MgCl2 सॉल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल। तो MgCl2 ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम के साथ। तो यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो मैग्नीशियम जो होगा ना, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है, ये मोर रिएक्टिव है। तो ये मोर रिएक्टिव है इसीलिए ये डिस्प्लेस नहीं होगा। एल्युमिनियम क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मेटल से हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस नहीं होता, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह फेरस सल्फेट सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल। तो अगर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को देखें, FeSO4, ये हो गया फेरस सल्फेट, और सिल्वर Ag से इसको करेंगे, तो Ag क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव अपने से हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ भी कोई नो रिएक्शन होगा, ठीक है। जबकि लास्ट वाला जो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, लास्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि हमारा जो AgNO3 सॉल्यूशन है वो कॉपर मेटल से अगर रिएक्ट करे, तो AgNO3 ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, अगर ये कॉपर से रिएक्ट करेगा तो कॉपर क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव है। अगर हाईली रिएक्टिव किससे है, सिल्वर से, अगर सिल्वर से अगर इसका कंपेरिजन किया जाए, तो ये रिएक्शन करके CuNO3 बना लेगा और Ag डिस्प्लेस कर लेगा, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट हो गया ये हमारा, तो ये कॉपर नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CuNO3 होल 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या कर लेंगे, ये 2 से कर देंगे। तो यहाँ पे Ag क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो यहीं पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो रहा है वो ऑप्शन 4 के सॉल्यूशन में हो रहा है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन D। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।